ਤਾਣੇ ਵੀ
केंद्र से वोट वो पॉलिश हो। उस तो अलावा एक और खास गल तुम पता होनी चाहिए कि आपने जो कैंसर होता है, कैंसर भी कई तरह के कैंसर होते हैं जी इम्यूनिटी जी होंगी अपनी बॉडी में उन्होंने स्ट्रेस करती है, और जो अपनी इम्यूनिटी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस जो इन्हें अपनी इम्यूनिटी घट कर देनी है, टी सेल घट कर देने हैं, तो कैंसर भी ऊपर आ जाता है। खास कैंसर होता है कोशी साफ होना, ये पेशेंट्स में साफ होना हो जाता है, जगह जगह कैंसर फैलता है उन्होंने। उस तो अलावा इन्हों का जरा ब्रेन के ट्यूमर बहुत ज्यादा इन्हें इफेक्ट होंगे जिन्होंने एड्स हो जाए, तो उस तो अलावा डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एच आई वी वायरस ऑन द ब्रेन, बंदे को डिमेंशिया हो जाता है, बंदा हरेक चीज भूलन लग पाता है। जिम्मे मैं उनको बोल रहे हैं मैं याद है कभी बोल रहे हैं, नहीं तो मैं देखूंगा यार कागज की लिखा दूंगा, ठीक है, तो फिर याद नहीं होगा तो उन्होंने डिमेंशिया हो जाएगा। वो फिर सोच के छोटी छोटी प्रॉब्लम ना सॉल्व नहीं करता, होली होली और सोच सोचों की सारी खत्म हो जाती है, वो बंदा मतलब कि अपना नाम तक नहीं भूल सकता, इस तरह भूल लिया फिर। हूँ जोड़ा बंदा इन्ना बीमार है, खा नहीं सकता, हजम नहीं होंगे, उन्होंने मतलब कि थोड़े पंखियां हो रहे हैं, निमोनिया हो रहा बार बार, वो बंदा कमजोर हो जाता, वो जो कमजोर हो जाता काम नहीं कर सकता, वो नौकरी नाकरी जाती रहती है, वो नौकरी नाकरी जाती रहती है, कमाई का साधन ज्यादा रहता है, वो ना अपना रोटी कपड़ा काम नहीं कर सकता, तो फैमिली का भी कर सकता। वो हम अगर लेडी है उन्हें हसबेंड हो सकता है ना, वो मतलब कि इंफेक्शन होगी होगी, तो जेंट है तो वाइफ में होगी होगी, दो बंदे जोड़े हैं काम करने को जाते हैं, और उस तो अलावा उन्होंने दवाइया दवाइया का जो खर्चा होंगे वो एडिशनल पै जाता है। हूँ जो मर्जी कह लो कि एड जी है हस्पताल ना नहीं होंगी, काम से जाने नहीं होंगी, जो लोग पता चलता भी यह बीमार रहता है, उन्होंने पता चल जाता भी एड्स हो गई है, तो लोग वो तो परे परे जाना शुरू कर देंगे, यार एक छिक मारूगा तो साढ़े उत्तर थोकी ना पै जाए, हो सकता है हाथ से जख्म ना हो, साढ़े हाथ से भी जख्म हो, असं हैलो करिए तो उतों ही वायरस आ जाए। हजार मतलब कि लोगों के दिल के डर पै जाते हैं, वो बंदे लोग मतलब सोशल ही पैदा हो जाए। उस तो बाद की होंगे कि जो बंदा मर जाता है, अगर वो हस्बैंड वाइफ दोनों मर गए तो समझ लो कि एक अनाथ बच्चे को छड़ जाते हैं, या तो बच्चे अनाथ होंगे या हस्बैंड वाइफ जो प्रेगनेंसी डिलीवरी होंगी है, तो ऐसे अपने हिंदुस्तान इन्नी स्थिति नहीं है कि प्रेगनेंसी तो पहले चेक किया जाए कि रेट तो नहीं है, और उन्होंने दवाई दी जाए कि डिलीवरी वेले बच्चे को रेट नहीं पास होने लगी, तो उन्होंने समझाया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी, ब्रेस्ट फीडिंग ना भी रेट हो जाती है, तो फिर बच्चे ज्यादा एड्स वाले बच्चे छड़ जाएंगे या ऑर्फन छड़ जाएंगे। वो एक पंजाबी कहावत है, सो चाचे से एक प्यो है, तो ना कोई चाचे संभालता बच्चों, बल्कि कि लोग आंढ़ी गुआढ़ी रिश्तेदार सारे उन्होंने सोचते हैं कि ना पैसा पूसा कितना लाभ कर दिए, बच्चे रुल जा रहे हैं अपने एक जिंदगी के अपने कौम के अपने देश के दे बच्चे जोड़े हैं बाहर की बन गए, जिन्होंने कोई प्यार नहीं मिलया, कोई केयर नहीं मिली, जिम्मे सारे इतने बैठे हो, थोड़ी बदली मिली हुई है, थोड़े माँ प्यो पैसे खर्च करके थोड़ू पढ़ा रहे हैं, हम तक रोटी पानी दे रहे हैं, और थोड़े बारे आसा लाई बैठे, ठीक है ना। तो ये चीज़ा जीडिया है, मैं थोड़ी एड्स का सिनेरियो समझाया, किसी को कोई नहीं की समझ लगी हो तो पूछो, मैं तो तुम सारे एड्स को बचना चाहोगे, चलो ठीक है, मैं हम बोलूंगा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि तुम केयर से बचना चाहोगे तो मैं थोड़े थोड़ा टिप्स दूंगा भी कि बच सकते। अच मैं थोड़ू कहनी चाहिए वैक्सीनेशन कोई नहीं बनी, जब स्मॉल पॉक्स थी ना वो पोलियो थी, वो वैक्सीनेशन करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ गई, तो वो जी इम्यूनिटी बढ़ी वो करके स्मॉल पॉक्स दुनिया तो ही खत्म हो गया, पोलियो अगले इंडिया के बच्चों खत्म होता अभी मतलब कि क्रेडिट लै रहे हैं भी खत्म हो गया, और उम्मीद है कि खत्म ही हो गया होगा। मैं थोड़ू ये कहने की दिना कि युगांडा एक कंट्री है जिसे एक बड़ा वीया एक्सपीरियंस होया, एक टाइम लग रहा था कि युगांडा के सारे काले लोग मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद युगांडा के जो रियॉस चैंपियन है ना वो शायद कोई सुपर पावर ने एक्सपैरिमेंट करके एड्स बारे सुनाया कि या तो वार की तरह बायोलॉजिकल वारफेयर नंबर यूज करेंगे, या कोई पॉपुलेशन एलिमिनेट करके जिन्हें बूटे रह जाएंगे आदमी मर जाएंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी का उन्होंने जी की जी एच आई वी इंफेक्शन और एड्स के 70% घट हो गई, टाइम लग रहा है कि सारा वांडा ही खत्म हो जाएगा, 70% उसे एड्स का इंसीडेंस घट गया। किमें घटिया हुआ, क्योंकि उसे लोगों ने अपना जरा बिहेवियर चेंज किया। हूँ तुम इस चीज देख रहे हो कि थोड़ा कोई समझ लो ऐसे चमकीली चीज नजर आ रही है, पर अंग्रेजी की कहावत है ना,
में यूज करना। जब तो सुनो कोई अपॉर्चुनिटी है ही मिलती है, कोई मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फीमेल है वो मेरे जोड़े वाले ट्रैक्ट होंगे, या कोई बड़ा हैंडसम मेल है जोड़े वाले फीमेल के ट्रैक्ट होंगे, तो उस टाइम तुझे ये सोचना है कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट द गोल, ठीक है ना। एंड टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन कैन बी डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स होम, मतलब कि तुम जेड़े अज यंग लोग इतने बैठे हो तुसी कल एक खुशहाल सेहतमंद बंदे हो, वो अगर थोड़ा वो जी चीज हैगी है थ्रू वायरस एंटर कर गया। मैं थोड़ा एक जोक सुना, एक जोक सीमा की गोवा की बीच से, इस जोक का मतलब कि सेक्स के बारे में एजुकेशन देने बारे है वी हाउ टू अब्सटेन फ्रॉम अट्रैक्शन। उसे मतलब कि दस जने बहुत गॉर्जियस फीमेल्स आई हैं फ्रॉम यूरोप, उन्होंने आके उठे यूरोप को आदमियां हो उन्होंने बड़ा ओपनली वो डांस डूस कर दी सीधियाँ, जो भी लोग आते थे उन्होंने डांस कर दी सीधियाँ, तो उन्होंने मतलब कि बैठ दी सीधियाँ गाँव गा दी सीधियाँ और उन्होंने मतलब कि सेक्स वगैरह भी कर दी, उन्होंने आपने सिलेक्ट करके बंदे सेक्स उन्होंने किया, तो उसे दिन लोगों ने भी जो दस सीधियाँ दस बंदे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने खूब इंजॉय किया, उन्होंने भी खूब इंजॉय किया, सोच रही नहीं है उन्होंने उन्होंने क्या बाय 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 बाय। उस तो बाद उन्होंने ईमेल्स आई हैं, ईमेल्स की लिखा सर यू आर वेलकम फॉर फ्री एंट्री टू एड्स क्लब, दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम एड्स एंड नाउ दीज टेन पीपल आर आल्सो इन एड्स बिकॉज दे नेवर थॉट ट्वाइस दैट दीज ब्यूटीफुल लुकिंग वेरी गॉर्जियस वेरी लाइवली फीमेल्स कैन बी सफरिंग फ्रॉम एड्स। और एक जी है जिस जो साढ़े कॉलेज के टीचर होंगे नागपाल पटियाले, वो सामने दसते होंगे कि मेरे सामने क्लास उसे 150 के साढ़े 50 कुड़ियाँ होंगे 100 मुंडे होंगे, वो कहते थे ना हवा लाइक एंड कीप योर जेनेटेरिया क्लीन दैन योर फिट, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जी है अगर तुम अप्लाई करोगे तो दिस उगैंडियन एक्सपीरियंस इज नाउ कंसिडर्ड एज ए बिहेवियरल वैक्सीन, राइट। सो यू कैन हैव दिस वैक्सीनेशन इन योर माइंड, इट इज नॉट दैट देयर इज नो वैक्सीनेशन एंड प्रोटेक्शन, वंस ए पर्सन सफर्स फ्रॉम इट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू एट द मोमेंट सफर फॉर होल ऑफ हिज लाइफ। जिन्हें दवाइया आदि है वो महंगी है, साडे वाले कंट्री के अवेलेबल नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ने कोई सेंटर बनाए हैं तो किनिया अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है नहीं है, और हर एक बंदा टॉलरेट नहीं करता, वो दवाइया के साइड इफेक्ट्स होंगे कई लोगों को, जिमें कई डॉक्टर मैं पता है जिन्होंने बाई चांस यूनिक प्रोफेसनल जिस तरह की सोल्जर बॉडी लड़ रहे हैं बॉर्डर से, असी लोग भी साढ़े को एड्स का पेशेंट आ जाए वी आर ड्यूटी बाउंड टू गिव द मेडिकल केयर टू डू ऑपरेशन ऑन दैट पेशेंट, उन्होंने डिलीवरी करनी है वो करना है, इन दैट प्रोसेस वी मे सफर ए नीडल प्रिक बिकॉज यू नेवर नो नीडल जिद नाल असीं उह कट रहे हैं स्यू कर रहे हैं बॉडी या वह प्लेट नाल कट रहे हैं वो साढ़े चुनते हैं बाई चांस, तो वो बाद सू एंटी रैट्रोवायरस दवाइया लैनी पैनी, वो डॉक्टर में जानना है जिन्होंने लैनी पैनी, पर मैं भी जानना है कई बहुत सीधे रिएक्शन, तो यह कहना आसान है कि सारी उम्र अच्छा कुछ नहीं होंगे दवाई होंगे तो दवाई महंगी है दवाई अवेलेबल नहीं है दवाई तो सूट नहीं करेगी, वह एंड रिजल्ट की होगा मूँह जख्म होने फेफड़े निमोनिया मरेगा इनफेक्टिव डायरिया होगा डिफेंट्री होगी और बंदा जोड़ा है वो मतलब कि अल्टीमेटली पेनफुल डेथ होगी। सो best way to protect yourself from AIDS is we should know who are the high risk groups. Number one high risk group is those who do unsafe sex, have multiple partners and they go to sex workers because the incidence of AIDS in sex workers is very high. So do not do that. Restrict your partners, avoid, abstain from unsafe sex, refrain from casual sex, refrain from multiple partners. And number two, homosexuality in males. So that is very high incidence. So this is not a good thing for psychology and the risk of AIDS.
so why? Number three, intravenous drug users. जैसे intravenous drug users में वो अपने नशे के बीच दिमाग को जाने वो चाहे जितना भी सोचे वो आपस के बीच कहने कुछ नहीं होंगे जिम्मे हम एक ऑलरेडी डॉट कुछ नहीं सुनने गया उसमें शेयर कर लेंगे तो वो बीच फंस जाते हैं. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले गवर्नमेंट वालों बड़े अच्छे फैसिलिटी दे रहे हैं. हम जरा ब्लड जरा होंगे है पहला कई क्लिनिक से नर्सिंग होम के लिए जो अपने आप ही लगे थे हम सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि ब्लड हैज टू कम फ्रॉम ए रिकग्नाइज ब्लड बैंक. सो दीज गुड स्टेप्स आर देयर एंड आई होप यू हैव लाइक द मैसेज. डिड यू लाइक दिस मैसेज? ओके सो आई एम हैप्पी एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कुछ मेरी इतनी अच्छी फिल्म लगी है वो अपने दोस्तों ना भाबन ना सारे शेयर करो ताकि असी सारे मिलके लोगों को अवेयर करिए ये अवेयरनेस की है कि आपको 150 किसके लिए कॉल कर रहे हैं.